जब हम लोग बढ़े FIR कराने के लिए आगे, तो ब्लैक कमांडो आ गई हमारे सामने। मतलब इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पे यकीन उठने वाली बात है ये कि क्या इस देश का लोकतंत्र इतना कमज़ोर हो गया कि हमें जो है FIR कराने अगर जाएं तो ब्लैक कमांडो, RAF, PAC और UP पुलिस रोकेगी। पाँच सौ या 600 मीटर चले होंगे, उसके बाद अचानक से रैपिड एक्शन फोर्स के लोगों ने फायरिंग की। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपने फायरिंग क्यों की, तो जवाब में उन्होंने मेरे ऊपर डंडे बरसाए। सबसे पहले मेरा मोबाइल तोड़ा, और डंडे बरसाने की कहानी मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने देखिए पूरा फेशियल इंजरी किया, मतलब ये जान से मार देना चाहते थे। और ये देखिए नेक के ऊपर अभी देख रहे हैं, ये 3 दिन से ये लगा हुआ है, और सर्वाइकल इंजरी की, शोल्डर पे इंजरी की, फिर हेड इंजरी की, सर पे मारा, फिर उसके बाद तब भी मैं खड़ा रहा। मैं चूँकि हम लोग गांधीवादी हैं, गांधी जी के विचारधारा में यकीन करते हैं, मैं तो ऐसे कर दिया मैंने, भाई जितना मारना मार लो। लेकिन जब भी मैं खड़ा रहा 25-30 लाठियाँ खाने के बावजूद, जब इनको लगा कि ये तो लगता है कि सच्चा गांधी है, तब इन्होंने फाइनली मेरे दोनों पैर पे मारा, तब मैं गिरा। और उसके बाद चूँकि उससे पहले सर पे मारा, तब मैं बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद एक एक करके पूरे स्टूडेंट को इन लोगों ने खदेड़ा, 30 से 40 स्टूडेंट जख्मी हुए। जिना की तस्वीर की कंट्रोवर्सी ये कुछ नहीं, हकीकत मानिए तो स्टूडेंट यूनियन हॉल के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर लगी हुई है। इसीलिए लगी हुई है क्योंकि उनको स्टूडेंट यूनियन 1938 में जो थी उन्होंने लाइफ मेंबरशिप दी थी, 1938 में जब देश गुलाम था उस टाइम पे उनकी फ़ोटो लगी। यूनियन हॉल के अंदर महात्मा गांधी की भी फ़ोटो लगी है, जवाहरलाल नेहरू की भी फ़ोटो लगी है, आपको CV रमन की लगी है, अल्लामा इकबाल की लगी है, हज़रत मोहानी की, अब्दुल कलाम आज़ाद की, राजेंद्र प्रसाद साहब की, तमाम लोगों की फ़ोटो लगी हुई है, उनकी भी फ़ोटो है। डेट इज़ कम्प्लीटली ए हिस्टोरिकल फैक्ट कि उनको लाइफ मेंबरशिप दे गई, इसलिए उनको फ़ोटो लगी हुई है। 1938 में लगी, आज 2018 देश में 80 साल बाद इस बहस को छेड़ना कि कौन सी फोटो लगी है, कहाँ लगी हुई है, क्यों लगी हुई है, क्या समझती है, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं तो क्या है। हामिद अंसारी साहब की विज़िट शेड्यूल थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, हमने उनको इनवाइट किया था स्टूडेंट यूनियन की लाइफ मेंबरशिप देने के लिए। और ये प्रोग्राम 5 बजे शाम में शेड्यूल था यूनियन हॉल पे, 7 बजे कैनेडी ऑडिटोरियम में एक लेक्चर था, और उस लेक्चर का टॉपिक भी मैं आपको बताऊँ, रीज़न है बताने का, इंडिया हैज़ फेल्ड टू इस्टेब्लिश ए प्लूरिस्टिक सोसाइटी। 11:30 बजे के आसपास कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स राइट विंग के, हिंदू युवा वाहिनी, ठीक है, और हिंदू महासभा और जागरण मंच और तमाम RSS के लोग, कहने का मतलब RSS और राइट विंग के लोग, ये लोग आते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के पास, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के पास, खूब हंगामा करते हैं। इनको यूनिवर्सिटी के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, सिक्योरिटी स्टाफ, इनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते हैं, 6 लोगों को पकड़ के। मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, 2:30 बजे 3 घंटे बाद फिर से 25-30 या 40 लोग आसपास, ये लोग यूनिवर्सिटी सर्कल से यूनिवर्सिटी के मेन एंट्रेंस की तरफ आते हैं बढ़ते हुए। यूनिवर्सिटी गेट पे वो पहुंचते हैं, फिर वहाँ पे जो है वो पूरा अपना आर्म्स निकालते हैं, इलीगल वेपन्स को निकालते हैं, उसको लहराते हैं, अपने कट्टों को, तमंचों को, पिस्टल को, हॉकी स्टिक को, जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है उसके साथ बदतमीजी करते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं। स्टूडेंट जब रिसिस्ट करते हैं तो उसको भी पिस्टल दिखा देते हैं, बोलते हैं गोली मार देंगे तुम्हें, यूनिवर्सिटी में रहना है तो राम नाम कहना, और तरह तरह की। अफसोस की बात तो यह है कि ये भगवान राम का नाम का इस्तेमाल इन सब चीज़ों में कर रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग मौके से गायब हो जाते हैं, वो लोग भाग जाते हैं, फिर इतने दिन में पुलिस प्रशासन आ जाती है। हम उनसे ये कहते हैं कि जो लोग भी यहाँ आए हैं, वीडियो फुटेज अवेलेबल है ऊपर, आप फुटेज के आधार पर उन लोगों को अरेस्ट कीजिए और उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए।
हमने बहुत उनसे कहा, आधे घंटे का टाइम दिया कुछ नहीं हुआ, फिर एक घंटे का टाइम दिया कुछ नहीं हुआ। क्योंकि अलीगढ़ की एक आदत है कि वक्त दे देते हैं, हमने वक्त दिया कुछ नहीं हुआ, डेढ़ पौने दो घंटे तक जब कुछ नहीं हुआ तो हमने कहा ठीक है भाई हम FIR करेंगे। ये इसके बाद छात्रों ने इस बात का विरोध किया पुलिस से, उन्होंने कहा हम इसके FIR दर्ज करना चाहते हैं। उन्होंने पुलिस ने कहा कि हम आपके FIR दर्ज करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं आप अगर यहाँ नहीं करेंगे तो हम थाने जा कर के कराएंगे, और वो लड़के यहाँ से थाने की तरफ को पड़े। जैसे यूनिवर्सिटी सर्कल उन्होंने पार किया तो उसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया आंसू गैस के, और करीब 15 छात्र हमारे अभी तक घायल हैं उसमें। तो ये भी समझ में नहीं आता तरीका कि जो लोग डिस्टर्ब करने के लिए दूसरे के यहाँ गए हुए हैं, आप पर वो नहीं रुक रहे, एक बार नहीं दो बार नहीं रुक रहे, और जो लड़के वैधानिक तरीके से अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जा रहे हैं आप उनके ऊपर जो है वो अटैक कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आता कि इसके पीछे क्या किस तरीके की मानसिकता या कौन सा प्रोग्राम या कौन सा एजेंडा होगा। भवेश आप ये बताएं कि इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं, क्या है ये मामला, जीना वाकई कोई इशू है या इसके पीछे आपको किसी तरह की कोई और कॉन्स्पिरेसी दिखती है, कोई लार्जर डिज़ाइन दिखता है? नहीं, मैं आपको थोड़ा पहले पैटर्न एक बताना चाहता हूँ कि पहले लेटर लिखा जाता है कि शाखा खोलनी है, फिर सुब्रमण्य स्वामी बोलते हैं कि यहाँ के लड़के आतंकवादी हैं, उसके बाद से फिर एक ये होता है कि जीना का मुद्दा उठता है, वो जब उसी सीरीज़ में होता है कि हमारे वहाँ वाइस चांसलर एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम इंसारी साहब आने वाले होते हैं जिनको हम लाइफ मेंबरशिप देने वाले होते हैं, इसी पूरी सीरीज़ को यूज़ करते हुए होता क्या है कि 2:30 बजे करीब कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स आते हैं, जिस जो गेस्ट हाउस नंबर 3 में हमारे वाइस प्रेसिडेंट रुके थे उनके सुरक्षा पर सेंध लगती है। तो इस पूरे मुद्दे को आप देखिए तो ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो आ रहे थे उनकी सुरक्षा पे सेंध लगाने की कोशिश थी, लेकिन इसको किस तरह इन लोगों ने जिन्ना वाला मुद्दा दिया। हमारी यूनिवर्सिटी जिन्ना की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करती है, ये हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है वो जिन्ना की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए नहीं है, वो एक हमारे हिस्ट्री का पार्ट थे उसको हम मानते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा यहाँ की जिन्ना की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता है। ये सब प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि वाइस वो हमारे एक्स एलुमनाई हैं, वो हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे, उनकी सुरक्षा में सेंध लगी, उसी बीच हमारे बच्चों पर लाठीचार्ज हुए हैं, हमारे डॉक्टर पुलिस जो है उनको मारा गया है, हमारी FIR टाइम पे रिकॉर्ड नहीं की गई थी, उसको रिकॉर्ड कराने हमारे बच्चे जब जा रहे थे तो उन पे लाठीचार्ज किया गया है, और लाठीचार्ज आप देखिए सरों पे मारा गया है, छातियों में मारा गया है, आँखों पे मारा गया है। सीरियसली हमारे 50 बच्चे कम से कम एडमिट हैं अभी GNMC में, हमारे सारे ऑफिस बेयरर्स उनको ब्रूटली मारा गया है। तो ये पूरा जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है ये इसके लिए चल रहा है कि जब स्टेट स्पॉन्सर्ड कोई स्टेट किसी को स्पॉन्सर करके ऐसे क्राइसिस में यूनिवर्सिटी को लाना चाहती है, तो इसका प्रोटेस्ट हमारा इसलिए चल रहा है। जिन्ना की तस्वीर AMU स्टूडेंट्स के लिए कुछ मायने नहीं रखती है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू है। अगर जिन्ना की तस्वीर की बात होती तो और भी जगह जिन्ना की तस्वीरें लगी हुई होती हैं, पहले उसका डिस्कशन होता, लेकिन ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। हमारी लड़ाई जो तरीका है, जो आइडियोलॉजी है RSS और VHS की है, उससे प्रॉब्लम है कि क्यों ये तरीका अपनाया गया कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में एंटर कर रहे हो और यूनिवर्सिटी के बच्चों को आप पीट रहे हो। तो ये जिन्ना की लड़ाई नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ आप लोगों ने FIR दर्ज नहीं करी, हमारे स्टूडेंट्स को घुस के मारा, सिर्फ ये लड़ाई इसकी है। जब से ये गवर्नमेंट आई है हम देखते हैं रोहित वेमुला का केस होता है, नजीब का केस होता है, स्टूडेंट्स पर अटैक होता है, इनको डर है कि स्टूडेंट सवाल करेगा इनसे कि हमें ऑटोनॉमी दिया गया जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है एक्चुअली, दूसरा डिमोनेटाइजेशन, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, बहुत सारे चीज़ों पर स्टूडेंट सवाल करेगा इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनके लोग रेप करते हैं उसके बाद रेप कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो कठुआ में रेप हुआ उस रैली में इन्हीं के मेंबर शामिल होते हैं, उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, तो ये सब सवाल करेंगे। तो एक कम्युनल इशू बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। और रही बात विमेन रिएक्शन की, तो जो ये हुआ उसके बाद हमें अथॉरिटी ने जो हॉल से विमेन हॉल है वहाँ पर लॉक लगा दिया था। विमेन का रिएक्शन ये था कि हम लॉक तोड़ के इस प्रोटेस्ट मार्च में आए, सॉलिडारिटी में आए, अपने भाइयों की सॉलिडारिटी में आए जो जिन पर बहुत ब्रूटली अटैक किया गया पुलिस के द्वारा। फासिज्म की लड़ाई और पेट्रियार्की की लड़ाई को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मूवमेंट्स और जेंडर स्ट्रगल एक साथ चलता है और चलता रहेगा।
जब तक हम लोगों के ऊपर फासिस्ट अथॉरिटीज़ जुर्म करती रहेंगी, तब तक लड़कियां अपने हॉस्टल्स का ताला तोड़ के निकलेंगी। और इस चीज़ पर हम लोगों को खुश होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां इतना ज़्यादा पॉलिटिकली, आज की लड़कियां हमारी यूनिवर्सिटी की इतनी अवेयर हैं कि वो अपनी राइट्स को असर्ट करने के लिए किसी भी ताले को तोड़ने की कोशिश करती हैं और कामयाब भी हो जाती हैं। वी जस्ट वॉन्ट वीमेन स्टूडेंट्स ऑफ AMU, वी जस्ट वॉन्ट आर प्रेजेंस टू बी फेल्ट पॉलिटिकली ऑन द कैम्पस, एंड वी वॉन्ट टू मेक दिस कैम्पस पॉलिटिकली वाइब्रेंट। और मुझे लगता है कि इक्वल पार्टिसिपेशन इज़ दी ओनली वे जिससे हम लोग अपनी राइट्स असर्ट कर सकते हैं। लाइक ट्रिपल तलाक कम्स वे लेटर, फर्स्ट वी नीड एजुकेटेड मुस्लिम वेमेन हु कैन टॉक, थिंक फॉर देम सेल्व, एसर्ट देयर आइडेंटिटीज़। एंड आई थिंक इफ द वेमेन ऑफ AMU आर एजुकेटेड एंड देयर पॉलिटिकली साउंड एंड वाइब्रेंट एंड असर्टिव, आई डोंट थिंक ट्रिपल तलाक जैसे इशूज़ होंगे भी।